सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। एमसीडी का इलेक्शंस की जो तैयारी है वो चल रही है, टिकट का अनाउंसमेंट हो रहा है। महमूद साहब को टिकट ना मिलने पर आम आदमी पार्टी से लोगों में बड़े पैमाने पर नाराजगी देखी जा रही है। कल से उनके कार्यकर्ता उनके घरों पर आ रहे हैं। अभी रात का समय है, RWA जाकिर नगर आया हुआ है, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं उन सारी तस्वीरों को आप तक पहुंचा सकें। आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन, आप यहाँ आए हुए महमूद साहब के पास किस तरह से नाराज़गी, क्यों नाराज़गी है आप लोगों की? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, मैं एक RW से प्रेजेंट हूँ वहाँ पे, और ये मेरी पूरी टीम है, साथी हैं सारे। हमारी नाराज़गी है पार्टी की तरफ से कि पार्टी के साथ इतने दिनों से काम करते चले आ रहे हैं, पिछले 10 साल से इस आदमी ने पूरी मेहनत और लगन से जो लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से काम किया है और मेहनत की है सबके लिए, आज पार्टी ने आश्वासन देते हुए लास्ट मोमेंट पे ऐसे टिकट काटने की क्या वजह है वो जानना चाहते हैं कि पार्टी ने ऐसा क्यों किया। जिस आदमी ने पूरी मेहनत से हर आदमी के कंधे से कंधा मिला के चलने के बाद भी इतने और निःशुल्क काम करना है, कोई भी आदमी ऐसा जाकिर नगर के अंदर या पूरे ओखला में ये नहीं कर सकता कि इस आदमी ने कोई 2 रुपये की रिश्वत ली हो किसी या किसी के लालच में काम किया हो। सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अगर आपने रात के 12 बजे भी अगर फ़ोन किया, 2 बजे भी किया, तो इस आदमी ने रिटर्न फ़ोन किया है। इसलिए हम लोग जो है एक सच्चे ऑनेस्ट आदमी के साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी द्वारा इस पर निर्णय ले और महमूद भाई को टिकट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनमें आक्रोश है वो यहाँ पर आए हैं, लगातार खबरें हैं, हज़ारों की तादाद में आज लोग इनके घर पर आए थे और महमूद साहब अभी कोई फैसला नहीं ले पाए हैं, मगर जनता में नाराज़गी है। RWA तक के इनके घर आ रहा है, टिकट ना मिलने पर लोगों को नाराज़गी है। कहीं ना कहीं लोगों या जनता में ये पकड़ है, इतने हज़ारों की तादाद में अगर बनता आ रही है और कहीं ना कहीं ये लोग मान रहे हैं कि एक ऐसे नेता को टिकट ना देके आम आदमी पार्टी ने चूक की है, क्योंकि ये जनता का अपना विज़न है। अलग अलग लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत कर, आप भी RWA से हैं, आप भी अपना कुछ बात बोलना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी कब से लालची हो गए हैं, पैसों के दम पर टिकट दे रहे हैं। आदमी की ज़मीनी स्तर से लोगों को उठाना चाहिए, अपने नेता को चुनना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा है। एक साजिश के तहत मुझे लगता है इन्होंने ऐसा करा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर टिकट ना देकर जो मेहनत आदमी शुरू से 10 साल से लगा हो, उसको ना टिकट देने का क्या रीज़न है, मुझे एक रीज़न बता दीजिए। बिल्कुल, जनता रीज़न मांग रही है आम आदमी पार्टी से, आखिर महमूद साहब को क्यों टिकट नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि RWA खड़ा है जाकिर नगर का, इसका क्या असर मिलेगा, क्या असर देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि आप लोग RWA के हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। महमूद साहब को टिकट ना मिलने से यहाँ क्या असर आप देखेंगे? बहुत ज़्यादा असर होगा इसका, सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा पब्लिक पे। नेता तो आपस में एक दूसरे को जो भी कहें, फिलहाल पब्लिक का जो काम होता था वो कुछ काम अब नहीं होने वाला है। अगर इनको टिकट मिलता और ये लड़ते तो बिना टिकट के ये 5 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं होने दी। अगर काउंसलर की रेस में थे ये और 101% जीत होती इनकी, तो लोगों का डर भी था इस बात का कि ये जीत जाएंगे। मजबूत आदमी को और पार्टी ने इतने मजबूत कैंडिडेट को और टिकट काट के जो वंचित किया है वो बहुत गलत किया है पार्टी। मेरे अपने हिसाब से लगता है कि पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो गलत लिया है, तो इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए आगे के लिए। ऐसे कैंडिडेट जो है पार्टी को ऑनेस्ट, जो ईमानदार लोग चाहिए और होने चाहिए। आम आदमी पार्टी जब भी बनी थी ये गरीब लोगों को उठाने के लिए बनी थी, और आज गरीब लोगों को उठा के आज पैसे वाले की बात आ रही तो गलत है। अभी वक्त है, वैसे अभी वक्त है, अगर चाहे पार्टी तो सुधार कर सकती है इन चीज़ों का, और टिकट महमूद भाई को होना चाहिए। पब्लिक चाहती है, दिल से चाहती है, ऐसा नहीं है, और पब्लिक के लिए काम करते हैं। महमूद भाई बहुत बेहतर इंसान है और उनको टिकट होना चाहिए था। 101% उनकी उम्मीद थी टिकट की, लोग आस लगाए बैठे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ, लोगों की आस से टूट गई है, पब्लिक नाराज है इस बात से। बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सारी तस्वीरों को आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।